फैजाबाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैजाबाद मंडल के फैजाबाद सुल्तानपुर अंबेडकर नगर बाराबंकी के 140 करोड़ के 119 परियोजनाओं का तोहफा आज दिया, जिसका आज शिलान्यास व लोकार्पण उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा किया गया। लगभग 250 किलोमीटर सड़क भी शामिल है। इस दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल, समाज कल्याण मंत्री रमापत शास्त्री व पांचों जिले के सांसद व विधायक मौजूद रहे। इस आयोजन को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार अयोध्या समेत संपूर्ण अवध क्षेत्र के सर्वागीण विकास के लिए तत्पर है। उन्होंने सांसदों, विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों की सामूहिक मांगों के प्रति उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश एवं केंद्र सरकार का खजाना अयोध्या के विकास के लिए खुला है और पहले की तुलना में मात्र 5 जिलों के विकास के बजाय प्रदेश के संपूर्ण 75 जिलों का विकास किया जा रहा है। प्रदेश में योगी व केंद्र में मोदी की सरकार प्रदेश के गरीबों के कल्याण, ग्रामीण विकास, बिजली पानी सड़कों के विकास के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। उन्होंने प्रदेश के प्रधानमंत्री को चोर जैसे शब्द का प्रयोग करने पर नाराजगी जताई। राहुल गांधी व अखिलेश यादव का निशाना साधते हुए जमकर खड़ी खोटी सुनाई। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज कांग्रेस के लोग देश के प्रधानमंत्री पर इस तरह के शब्दों से आरोप लगा रहे हैं कि जिस शब्द को पूरे देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और माफ नहीं करेगी, जबकि कांग्रेस स्वयं भ्रष्टाचार और घोटाले व देश को दुनिया के में पीछे ले जाने का कार्य किया। इस देश के प्रधानमंत्री मोदी, जो विश्व के सबसे शक्तिशाली हैं, उन पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, जबकि राहुल गांधी की अमेठी के सांसद बनने की भी हैसियत नहीं है। सरकार की ओर से चाहे केंद्र सरकार का खजाना हो चाहे प्रदेश सरकार का खजाना हो, अयोध्या के विकास के लिए, इस जिले के विकास के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनी है, विकास की गंगा बहाने का काम प्रारंभ है। किसी सरकार के कार्यकाल में विकास में बाधा डालने का काम होता था, विकास के मार्ग पर बैरियर लगाने का काम होता था, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार करने का काम होता था, विकास के नाम पर गुंडागर्दी करने का काम होता था। लेकिन वर्तमान सरकार विकास के नाम पर केवल विकास करने का काम करती है। विकास सड़कें जो बनाने का काम हो रहा है, पहले भी सड़कें बनती थी लेकिन कागज में बन जाती थी, मौके पर आपको सड़क के दर्शन नहीं होते थे। लेकिन आज मजा है, कोई कागज पे सड़क बना के दिखाए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे ठेकेदार हो, दोनों के लिए जेल के दरवाजे खुले। सरकार में आए हैं, उस एक एक वादे को पूरा करने का काम करेंगे। अभी तो हमारे हमसे हिसाब पूछ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से हिसाब पूछते हैं, कांग्रेस वाले माननीय मोदी जी के ऊपर ऐसे आरोप लगाते हैं जिस शब्द को इस देश की जनता मोदी जी के लिए कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, स्वीकार नहीं कर सकती। जो कांग्रेस स्वयं भ्रष्टाचार घोटाले और इस देश को दुनिया में पीछे ले जाने के लिए गन्ने लाने का काम किया, वो मेरे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, इस देश की 125 करोड़ जनता के हृदय के सम्राट, भारत के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता के ऊपर चोर कहकर के आरोप लगाओगे? श्री राहुल गांधी जी, आपकी तो हैसियत अमेठी के सांसद बनने की भी नहीं। रेलवे बोर्ड के सदस्य महेश चंद्र कौशल फैजाबाद पहुंचे। वहीं रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं को जांचने और उसे बेहतर बनाने के उद्देश्य से फैजाबाद स्टेशन का सघन निरीक्षण किया। वहीं रेलवे भोजनालय, प्रतीक्षालय, लॉबी एवं निर्माणाधीन RRI बिल्डिंग का निरीक्षण भी, के अलावा प्लेटफॉर्म का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर सफाई व्यवस्था अब पहले से कहीं बेहतर हुई है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र की सरकार अयोध्या एवं फैजाबाद दोनों जुड़वा स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही अयोध्या रेलवे स्टेशन का नव निर्माण शुरू होने वाला है। उन्होंने बताया कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन को बाहर से जोड़ने वाली मुख्य सड़कों की जल्द ही रिपेयरिंग कराई जाएगी एवं यात्रियों के पीने के पानी की, स्वच्छ पानी की समुचित व्यवस्था के लिए वह मंडल रेल प्रबंधक से उसकी व्यवस्था के लिए कहेंगे। वहीं रेलवे रिजर्वेशन एवं टिकट वेंडिंग मशीनें जो आए दिन सर्वर डाउन होने की कारण नहीं चल पाती हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस कमी को उन्होंने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है और जल्द ही यात्रियों को इससे निजात मिल जाएगी। आज इस मौके पर रेल के अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल रहे। छोटी मोटी कमी नजर में आई है, जैसे इस समय भी एक वेटिंग रूम देखा, वहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो देखेंगे पानी की क्या समस्या है। बाकी साफ सफाई तो ठीक है, लेकिन पानी की कभी एक जगह देखा गया, एक जगह टैप मिसिंग थी, तो इस तरह की चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए,
बाकी उसमें। देखिए ऐसा होता है कि जब ये रोज होनी चाहिए सफाई, हमारा मानना ऐसा है सब चीजें रोज होनी चाहिए, लेकिन ये भी जरूरी है कि अगर अधिकारी लोग बार बार आएंगे तो अपने आप सफाई होती जाएगी। जितने हाँ अगर अधिकारी रोज आएंगे तो रोज अगर उसी बहाने सफाई होगी कम से कम। ऐसा रहता है सर, चलिए हम बात करेंगे लोगों से, अपने अधिकारियों से चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए रोज। जो बाहर की रोड्स हैं जी, इनकी हालत बहुत खराब है। देखिए जो रेलवे परिसर से बाहर की सड़कें होती हैं वो बात करेंगे हम राज्य सरकार से, जो शहर की म्यूनिसपैलिटी है वो सब काम उनका रहता है, हम लोगों का कार्य जो रेलवे का परिसर है, लेकिन जो अप्रोच रोड है रेलवे में आने के लिए वो हम अपने अधिकारियों से कहेंगे कि वो उनसे बात करें जिला प्रशासन से और उसको ठीक ठाक कराएं। और एक चीज की अभी मरदोई की कहता है कि यहाँ पे रिजर्वेशन और जो ये आपकी टिकट वेंडिंग मशीन लगी हुई है इसमें कोई टिकट नहीं निकला क्योंकि सर्वर बैठा हुआ था, तो इसके लिए आए दिन ये समस्या वो मैं पता करूंगा। देखिए सर्वर तो कभी 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 कभाग बैठ जाए तो तकनीकी कारण से हो सकता है, लेकिन अगर रोज की समस्या है तो मैं DRM साहब से मिलूंगा आज शाम को, उनसे बात करूंगा मैं उनसे क्या समस्या। अयोध्या स्थित जानकी घाट बड़ा स्थान में महंत मैथिली शरण रमन जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर अयोध्या के सभी संतों व महंतों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। आज इस अवसर पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। मंदिर के महंत ने बताया कि विगत वर्षों की भात इस वर्ष भी अपने गुरु महाराज की पुण्यतिथि जन्मोत्सव की तरह मना रहे हैं। आज इस भंडारे में कई प्रांतों से हमारे शिष्यगण आए हुए हैं और इनके साथ तमाम संतों महंतों, महंत मनमोहन दास, महंत राजकुमार दास, नागर रामलखन दास, बड़ा स्थान के महाराज ब्रजमोहन दास जी के साथ सैकड़ों की संख्या में संतों व महंतों ने विशाल भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। ये रसिक पीठ के आचार्य पीठ पर आप लोग आए हैं जहाँ पर यहाँ के संस्थापक अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री रामचरण दास जी महाराज करुणा सिंधु जी, जिन्होंने श्री रामचरितमानस की प्रथम टीका की, उनके द्वारा संस्थापित अक्षुण्य सिद्ध पीठ रसिक उपासना की पीठ सिद्ध पीठ पर आप लोग आए हैं। यहाँ पर स्वामी श्री रामचरण दास जी महाराज करुणा सिंधु जी के बाद श्री स्वामी राम सेवक शरण जी महाराज यहाँ के श्री महंत हुए, गद्दी नसीन हुए। उनके बाद श्री महंत जानकी वर शरण जी महाराज गद्दी नसीन हुए। उनके बाद श्री महंत लक्ष्मण शरण जी महाराज हुए। उनके बाद हमारे पूज्य गुरुदेव श्री मैथिली रमन शरण जी महाराज की आज 27वीं पुण्यतिथि के महामहोत्सव में बृहद भंडारा और संतों का सम्मान समारोह हुआ, जिसमें अयोध्या के सभी बिंदु अत्याचार्य श्री स्वामी देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के माननीय श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, बड़े भक्तमाल महंत श्री कौशल किशोर दास जी महाराज, उनके उत्तराधिकारी भी श्री महंत अवधेश कुमार दास जी महाराज आदि सभी, हनुमानगढ़ी चारों पट्टी के श्री महंत और गौरी शंकर दास जी महाराज महामंत्री आदि सभी यहाँ पर जो है बाबा अवधेश दास जी महाराज चौधरी जी महंत के महंत श्री वर्तमान श्रद्धालु महाराज जी कहाँ कहाँ से हैं, ब्रज मोहन दास जी महाराज के साथ में सभी अयोध्या के प्रमुख और सामान्य सभी स्थानों के धर्माचार्य श्री महंत महामंडलेश्वर बाहर से आए हुए हैं और बाहर के मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, गुजरात के, दिल्ली प्रदेश के जो भक्त लोग आए, जो आए यहाँ से जुड़े शिष्य हैं वो सब आकर के यहाँ प्रसाद ग्रहण किए, संतों से आशीर्वाद लिए, संतों का दर्शन किए। ये महामहोत्सव अभी चल ही रहा है, आप लोग